मतलब पापा ही ने मेरे लिए बताया कि बचपन से मतलब तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है तुम्हें और अपनी को मेरी बहन और हमें कि इंडिपेंडेंट होना है अपनी कम्युनिटी में भी आगे बढ़ना बिकॉज यूजुअली लोग मानते हैं कि हमारे कम्युनिटी में गर्ल्स अपनी एजुकेटेड नहीं होती तो ये था कि तुम्हें एजुकेशन करना है और फिर लोगों को ये चीज़ प्रूव करनी है कि हाँ हम भी एजुकेटेड होते हैं कभी कभी होता है लोगों की फैमिलीज़ में से प्रॉब्लम्स होती हैं हम उस चीज़ को डिसग्री नहीं करते कंप्लीटली बट हाँ ऐसी भी फैमिलीज होती हैं कि इंसान अपने आप को एजुकेट करता है और अपने को चेंज करना चाहता है लेकिन फिर एक मोमेंट था एकदम लास्ट में लगा कि अब छोड़ देते हैं रोजे बाद में नेक्स्ट ईयर रह लेंगे बिकॉज़ ये तो अपॉर्चुनिटी अब नहीं आ रही है फिर तो ये था कि अगर इस वक्त नहीं रखा और नहीं पढ़ा तो आगे और टफ़ स्टडीज़ हैं तब करना तो इम्पॉसिबल है अगर इस वक्त छोड़ दिया अगर उस उसके बाद में था मेरी बहन ने था उसका एक कॉल था उसने बोला था कि मत छोड़ना था रह लो जो भी होगा अल्लाह ताली मैनेज करें था मतलब फिर रहना शुरू कर दिया फिर यही दुआ थी कि ऐसे रोज़े हों कि पढ़ाई के वक्त पढ़ा पता ना चले कि आप रोज़ा और ये था कि मतलब पढ़ते वक्त याद मतलब पता ही नहीं चलता था कि हम रोजा हैं और पढ़ते पढ़ते भूल जाते थे कि हाँ रोजा है। नमस्कार आदाब मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स 2023 में जब नीट का रिजल्ट आउट हुआ तो हर तरफ इसकी चर्चा रही लेकिन अब जब वक्त थोड़ा आगे बढ़ गया है ऐसे में उसकी चर्चा तो बंद हो गई है लेकिन गोंडा से एक बेटी ने छः नंबर लाकर नीट क्वालिफाई किया उनकी चर्चा अभी तक बंद नहीं हुई है जी हाँ हमारे साथ मौजूद हैं निदा फातिमा जी जी हाँ निधि जी क्या आप आपकी जर्नी कैसी रही कैसे स्टार्ट किया कैसे सोचा सब पर हम डिस्कस करेंगे पहले हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू ठीक है अब हम शुरू करते हैं आपके स्कूलिंग से क्या स्कूलिंग रही कैसे जहन में आया कि नीट ही करना है इस फील्ड में जाना है पूरी बात है तो कौन सा स्कूल था आपका स्कूल कौन सा बैच बैच था 2019 19 तो क्या जहन में चल रहा था जब आप ट्वेल्थ पहुंच रहे थे क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब हम ट्वेल्थ पहुंच रहे होते हैं तो हमें अपनी फील्ड डिसाइड करनी होती है मेडिकल करना है इंजीनियरिंग करना है सिविल सर्विसेज में जाना है ये तमाम चीजें आपने कैसे इसको चुना सब्जेक्ट बायो थोड़ा पसंद था तो ये तो था उसमें कन्फ्यूजन नहीं था कि बायो लेना है बायोलॉजी एलेवन ट्वेल्थ तक कंटिन्यू हुई बट यहाँ पे रहता है उस टाइम में 2019 में ऑनलाइन कोचिंग्स उतनी फेमस नहीं थी नहीं। तो ऑफलाइन बैचेस उतने अवेलेबल नहीं थे मतलब गोंडा डिस्ट्रिक्ट में तो तब तो यहाँ से प्रिपरेशन करा एम I टू mean, के बाद बट फिर उसके बाद में कोविड आ गया फिर लॉकडाउन फिर सारे बैचेज मतलब ऑफलाइन बंद हो गए सब ऑनलाइन हो गया फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट ईयर का वेट किया फिर जब ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट ऑन ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हुए कोटा में तो फिर कोटा जाने के लिए सोचा क्योंकि कुछ फ्रेंड्स से सुना था कि अच्छा है उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे लगा कि शायद बेटर हो सकता है ऑफलाइन जैसा कि बताया दो अटैम्प आपने दिए तो दोनों ही सालों में आप कोटा रहीं जी उन दोनों साल में कोटा थे कोटा यस अच्छा अभी लास्ट हम बात करें सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि अभी जो इनका लिबास है जो इनका आउटफिट है वो आप देख सकते हैं पूरे हिजाब में है ये तो जाहिर सी बात है अब की जब पेपर था एक

लेकिन फिर था एक दो दिन नहीं मैनेज हुआ मेरे पहले मॉक टेस्ट बहुत बेकार गए बहुत डिप्रेसिंग था लेकिन फिर उसके बाद मैं इवेंचुअली दुआ मांगते थे अल्लाह तरह से कि हो जाए बेटर हो फिर मैनेज हो गया मैनेज हो गया मतलब टाइम आप चेंज कर लीजिए शहरी के वक्त पढ़ना रहता था जिस वक्त यूजुअली थका रहता था उस वक्त नहीं पढ़ते थे कोशिश करते थे अपने आवर्स चेंज करें स्लीपिंग आवर्स चेंज करें फिर मैनेज हो जाता था अक्सर ऐसा होता है रिश्तेदार फोन करते हैं रिलेटिव फ़ोन करते हैं अरे रमज़ान फिर आएगा बाद में रोज़ा रख लेना अल्लाह ऐसा कुछ गुना नहीं पड़ेगा बाद में ऐसा होता था बहुत एक दो दिन मतलब शुरुआत के चार रोजों तक तो बहुत कन्फ्यूजन था लगता था कि हाँ सब सही कह रहे हैं बिकॉज मार्क्स जब कम आ गए तो लग रहा था कि लोग सही कह रहे हैं कि आप बंद कर दो लेकिन फिर एक मोमेंट था एकदम लास्ट में लगा कि अब छोड़ देते हैं रोजे बाद में नेक्स्ट ईयर रह लेंगे बिकॉज़ ये अपॉर्चुनिटी अब नहीं आ रही है फिर ये था कि अगर इस वक्त नहीं रखा और नहीं पढ़ा तो आगे और टफ स्टडीज़ हैं तब करना तो इम्पॉसिबल है अगर इस वक्त छोड़ दिया अगर मैंने फिर उसके बाद में था मेरी बहन ने था उसका एक कॉल था उसने बोला था कि मत छोड़ था रह लो तुम जो भी होगा अल्लाह तला मैनेज कर लेंगे था मतलब फिर रहना शुरू कर दिया फिर यही दुआ थी कि ऐसे रोजे हों कि पढ़ाई के वक्त पढ़ा, पता ना चले कि आप रोजा हैं और ये था कि मतलब पढ़ते वक्त मतलब पता ही नहीं चलता था कि हम रोजा हैं और पढ़ते पढ़ते भूल जाते थे कि हाँ रोजा है जब पेपर के टाइम तो आठ घंटे पढ़ाई जा रही होगी दस घंटे जा रही होगी नमाजें भी हो रही होंगी रोजा तो भी चल शुरू हुई नमाजें तो हैबिट नमाजे तो इंसान की है, होती है देख सकते हैं एक बहुत ही बेहतर चीज़ ये है कि आप जब दुनिया की कामयाबी के लिए आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में कभी कभी ऐसे रिलीजियस चीज़ें भी आती है कुछ लोग छोड़ देते हैं कुछ लोग उसके साथ आगे बढ़ते हैं और साथ आगे बढ़ने में से एक हमारे बगल बैठी हुई है नीदा फातिमा जी इनके पिताजी जो है रेलवे में हैं और उनसे भी हम बात करेंगे माता जी बगल में बैठी हुई हैं उनसे भी हम बात करेंगे इससे पहले हम जानेंगे स्ट्रगल कितना रहा और उस स्ट्रगल के बीच में किसने मोटिवेट किया आपको टाइम टू टाइम स्ट्रगल रहता है क्योंकि मतलब जब आप छोटे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप नहीं रह रहे हो तो आपके सराउंडिंग वैसी नहीं रहती कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव अच्छा इन्वायरमेंट आपने देखा हो तो ये प्रॉब्लम रहती थी कि ऐसे बच्चे यूजुअली हमारे टाइम में नहीं होते थे कि आप जानते हो कि नीट क्वालिफायर्स हैं या हमारे सीनियर्स हो जो हमको गाइड कर सकें बेटर जगह के लिए इंसान कोटा जाता है मेरे लिए वो अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे मुझे ऐसे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिला टीचर्स मिले कि जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक वन देखी है उनके लिए हम उन्हें हमें गाइड करना उनके लिए बहुत आसान चीज़ थी फिर और फिर घर से भी होता है कभी कभी इंसान बहुत पढ़ता है बट इमोशनली इंसान कभी कभी टूट जाता है तब उस वक्त फैमिली ही इंसान को काम आती है फ्रेंड्स भी काम आते हैं तो मेरी बहन मम्मी पापा सब लोग ये समझाते थे कि मतलब तुम करोगे तो पहले रहेगा खानदान में पहले रहोगे ऐसा करने के लिए तो वो ये अपने आप में टाइटल बड़ा है तो इसमें स्ट्रगल्स भी होंगे बिल्कुल सी बात है और जो स्ट्रगल की स्टोरी है जो भी चीज़ें हैं वो दर्शाता है हमारे पीछे रखे हुए अवार्ड्स आप देख सकते हैं एक तरफ इधर है और दूसरी तरफ वो है इनकी माता जी के पीछे इनकी अम्मी के पीछे और ये जो अवार्ड्स हैं ये इनके हैं इनके सिस्टर के हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि स्कूल से अभी तक इनको ये मिले हैं अब इन कॉलेज की दुनिया मिलेगी उसके बाद प्रोफेशन में जाएंगे तो अभी से ये दिखा रहा है कि ये कितना तैयार हैं अपनी अपकमिंग फ्यूचर को लेकर और मैं बता दूं ये दो भाई दो बहन हैं और ख़ास बात ये कि इनके पिताजी हैं जो अपने वालद की इकलौती औलाद हैं मतलब इनके पिताजी सिंगल हैं फिर इनके बाद इनके साथ शिवलिंग की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ी बहन और दो भाई हैं ठीक है अच्छा फादर से क्या चीजें बातें होती थी इस दरम्यान एक डिस्टेंस होता है ऐसा तो माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो फादर के करीब होती हैं बच्चों का लगाव अम्मी से होता है ज्यादा ऐसा कुछ आपके साथ भी है जी मतलब मेंटल mental, मेंटली आपके दिमाग में इमेज क्या क्रिएट की जाती वो है वो इम्पॉर्टेंट है भले अगर आप डेली बात नहीं कर रहे हो आपका इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए मेरे साथ ये था कि हाँ मतलब पापा ही ने मेरे लिए बताया है कि बचपन से मतलब तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है तुम्हें और अपी को मेरी बहन और हमें कि इंडिपेंडेंट होना है अपने कम्युनिटी में भी आगे बढ़ना बिकॉज़ यूजअली लोग मानते हैं कि हमारी कम्युनिटी में गर्ल्स इतनी एजुकेटेड नहीं होती हैं तो ये था कि तुम्हें एजुकेशन करना है और फिर लोगों को ये चीज़ प्रूव करनी है कि हाँ हम भी एजुकेटेड होते हैं कभी कभी होता है लोगों की फैमिलीज में से प्रॉब्लम्स होती हैं हम उस चीज़ को डिसग्री नहीं करते कम्प्लीटली बट हाँ ऐसी भी फैमिलीज होती हैं कि इंसान अपने आप को एजुकेट करता है और अपने आप को चेंज करना चाहता है तो कम्युनिटी वाइज अब्बा का खास सपोर्टर रहा आपको लेकर आगे बढ़ाना है इंडिपेंडेंट है ना बिल्कुल ये तो बड़ी अच्छी बात है हमारे साथ भी बैठे हुए हैं अभी उनसे भी इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे हम क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम कम्युनिटी की खासकर बात करते हैं तो एजुकेशन को लेकर एक जो रवैया है वो बॉयज़ के तरफ ज़्यादा होता है कि उनको पढ़ाना है बच्चियों के साथ ये होता है कि हाँ ग्रेजुएशन कर लें फिर शादी लेकिन निदा के वालिद का ये था कि नहीं इंडिपेंडेंट आगे बढ़ना है प्रोफेशन में जाना है नाम रोशन करना है और ऐसा ही कुछ है आपकी बड़ी बहन भी अभी क्या कर रही है लखनऊ इंटीग्रल से मास्टर्स कर रही हैं और ये बहुत बेहतर बा, बात है दो भाई अभी आपके छोटे हैं क्या चल रहे और एक नाइन्थ में अच्छा.

एटलीस्ट एक एम बी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी आप फर्स्ट ईयर की बुक मंगवा लीजिए वो पढ़ लेंगे तो पापा मम्मी को था एक्सपेक्टेड कि हाँ अच्छा किया होगा उस वक्त मेरे दिमाग में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या स्कोर होगा सिक्स प्लस होगा कितना होगा बिल्कुल भी नहीं लेकिन फिर रात भर सब्र नहीं हो रहा था कि अब कैलकुलेट कर लिया जाए बिकॉज आंसर की आ गई थी तो फिर कैलकुलेट करा था तब पता चला था कि हाँ सिक्स है पापा उस वक्त सो चुके थे रात के दो बज रहे थे फिर हम लोग हॉस्टल में थे मतलब वहीं पर कोटा में फिर पापा को गए नॉके पा पापा, पापा तो का, काफ़ी देर तक रात में वेट किए कि अभी हम बताएंगे कैलकुलेट करके बट हम बता नहीं रहे थे कि मुझे बहुत डर लग रहा था <laughs> फिर उसके बाद में रात में गए नॉक किया डोर पापा सो रहे थे नींद में कम्प्लीटली फिर उनको बोला पापा कैलकुलेट किया है मार्क्स है सिक्स तो वो उनको यकीन नहीं हो रहा था कह रहे नहीं दोबारा चेक करो दोबारा चेक करके कर बताओ <laughs> फिर कह लगे फिर दोबारा पापा ने खोली आंसर की ऑफिशियल फिर हम लोगों ने फिर चेक किया कि कहीं हमने खुशी में कुछ गलत ना कैलकुलेट किया हो फिर उसके बाद में देखा तो फिर सिक्स फोर्टी सेवन फिर तो एक्सेप्टल रही

जी बहुत खुश हैं बहुत खुश हैं बहुत खुश हैं जी आपकी तरह और जो अम्मी हैं माए हैं वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती हैं बढ़ाना चाहती हैं कोई मैसेज उनके लिए जी बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी में तो बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को ज़्यादातर होता है कि नहीं बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है मगर उनको मौका देना चाहिए बच्चियों क्योंकि वो अपना इंडिपेंडेंट हो खुद अपने पैरों पे खड़ी इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए एक अच्छा मैसेज दे रही हैं ये तमाम उस समाज के उन लोगों को जो थोड़ा सा बैकफुट पर अपनी सोच को सोच की वजह से रहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहिए आगे आना चाहिए जो एक बढ़ता और प्रोग्रेसिंग uh, इंडिया है उसमें हम अपना uh, कैसे योगदान दे सकें और यही सारी चीज़ें होती है जब हम अपनी सोच बदलते हैं आगे बढ़ते हैं तो वक्त और जो रिजल्ट होता है वो भी हमारा साथ देता है क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं इनके फादर भी हम उनसे बात करेंगे तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ uh, ये निदा फातिमा जी के फ़ादर हैं रेलवे में uh, जॉब करते हैं क्या नाम है सर आपका मोहम्मद नसीम सिद्दीकी नसीम जी कैसा मोमेंट था उस वक्त जैसे निदा ने बताया कि नॉक किया और आपको यकीन नहीं हुआ आपने दोबारा कैलकुलेट किया तो कैसा बहुत था बहुत प्राउड मोमेंट था हमें यह था कि बच्चे मतलब कैलकुलेशन uh, तो इसका सही था मगर पूरा फुल सेटिस्फेक्शन चाह रहे थे कि इंसान को जब पूरी खुशी मतलब मिल जाती है फिर बाई दी हुई पता चले कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो या जो भी है तो आदमी डिस्टर्ब हो इसलिए पूरा एकदम जब सेटिस्फाइड हो जाओ फिर खुश हो मेरा मकसद ये था जी तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो अपनी बेटियों को थोड़ा सा पीछे रखते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं या मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसा मोटिव हमारी तरफ से तो यही है ख़ासकर मतलब अपने कम्युनिटी की भी बात करूंगा कि आप जैसे शादी कर रहे हैं शादी में बीस लाख पच्चीस लाख तीस लाख जो भी है लगाते हैं उससे बेटर फर्स्ट प्रियॉरिटी आपको यह देनी चाहिए कि आप उतना पैसा लगा के आप अपने बच्ची को एजुकेटेड एडु, एडु, बना दें उसको अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट खड़ा कर दें कि वो खुद दो चार परिवार को बैठा के खिला ले क्या बात है ये बहुत ही अच्छी बात है और एक मैसेज है तमाम उन लोगों के लिए सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है हर इंसान के लिए हर शख्स के लिए बात है हर माँ बाप के लिए वो बात है कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं अभी निदा जी से एक लास्ट मैसेज हम लोगों के लिए ले लेंगे जो आपको देख रहे हैं जो आपको देख कर अप्रीशिएट करेंगे और उनके घर में भी बच्चियाँ होंगी पढ़ने के लिए माँ बाप वो खुद होंगे क्या कहना चाहिए ये कि सक्सेस में टाइम लगता है उसके लिए पेशेंट होना चाहिए कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको अपने हार्डवर्क में और रिजल्ट के लिए कभी भी चिंता मत करिए कि आप सक्सेसफुल होंगे कि आपको फेलियर साबित कर सामना करना पड़ेगा उससे कुछ नहीं होता है अगर आप आपको लगता है अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो इवेंचुअली वो सोसाइटी में बाहर आएगी अगर इस साल नहीं आई अगले साल आएगी जो लोग एक अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं या आपके अंदर कम टैलेंट है यू आर लेस स्मार्ट देन अदर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ट्रस्ट यूर सेल्फ ट्रस्ट योर पेरेंट्स और अपने फैमिली को साथ लेके चले तो सुना आपने निदा ने क्या कुछ बताया आपने इस सक्सेस के पीछे किन किन ने इनका साथ दिया आप देख सकते हैं एक तरफ वालिद हैं एक तरफ वालिदा है दो छोटे भाई हैं और इस पूरे स्ट्रगल में उन्होंने कैसे इनका साथ दिया रिलेटिव्स का क्या क्या योगदान रहा तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इंस्पिरेशन ये यहाँ से दे रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये और आगे बढ़ें और ये ही नहीं और ऐसे जितने भी बच्चियाँ हैं बच्चे हैं वो आगे बढ़ें आपको एक बार फिर से नेताजी बहुत बहुत मुबारकबाद और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको निदा जैसी स्टोरी सुनकर एक मोटिवेशन मिले निदा उनकी इंस्पिरेशन बने और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स मेंफार फरहान आकिब खान मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद